नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू राधास कल्नरी। आज हम बनाने जा रहे हैं मसाला करेला या फिर करेले की सूखी सब्जी, जो कि नॉर्थ इंडिया की फेमस डिश है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमें जो इंग्रेडिएंट चाहिए पहले उनको चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हमने ये आधा किलो करेला लिया है, 5 हमने मीडियम साइज की प्याज दी थी उसको स्लाइस कर लिया है, 2 यहाँ पर हमने मीडियम साइज के कच्चे आम लिए थे रॉ मैंगो उसको हमने कद्दूकस कर लिया है, पिसी हुई सौंफ है, नमक है, लाल मिर्ची पाउडर है, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, जीरा है, अमचूर पाउडर है और थोड़ा हम यहाँ पर इसको सरसों के तेल में बनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमें यहाँ पर सबसे पहले करेले को राउंड कट करना है ऐसे। अगर करेले में आपको मोटे बीज दिखाई दे तो उसको निकाल दीजिए, इससे करेला कड़वा बनता है। मोटे बीज निकाल देंगे तो करेला हमारा कड़वा नहीं बनेगा। ये 2-3 स्टेप्स हैं जिससे आपका करेला कड़वा नहीं बनेगा। ऐसे ही हम बाकी के करेला भी अपना कट कर देंगे। यहाँ पर हमने सभी करेलों को कट कर लिया है और इनके जो बीज थे उनको हमने अलग कर दिया है। अब हम करेले में 1 TBSP सॉल्ट ऐड करेंगे और इसमें हमें पानी डाल देना है और इसको पूरा हमें डिप कर देना है करेलों को इसमें, और इसको हमें 20 से 25 मिनट के लिए इसमें डिप रहने देना है, जिससे कि हमारा करेले का जो कड़वापन है, एक्स्ट्रा कड़वापन है, वो निकल जाएगा। उसके बाद हम इसको बनाना शुरू करेंगे। उधर हमारे करेले पानी में डिप हो रहे हैं, इतने हम आगे की तैयारी शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने मस्टर्ड ऑयल लिया है, ये हमने यहाँ पर 1/3 कप लिया है। करेले जो है मस्टर्ड ऑयल में ज़्यादा भराते हैं तो अच्छा टेस्ट आता है। अब इसमें हम हींग डाल रहे हैं, यहाँ पर मैंने 1/2 TSP का हींग डाला है। इसमें हींग आप अच्छी मात्रा में डालें। अब इसमें हम 1 TBSP जीरा ऐड कर रहे हैं, जीरे को अच्छे से तड़कने देंगे। अब इसमें हम स्लाइस की हुई प्याज डाल देंगे, इसको हमें यहाँ पर लाइट ब्राउन होने तक अच्छे से भूनते रहना है। यहाँ पर जो है प्याज जो है थोड़ी ब्राउन हो गई है हमारी, हमें इतनी ब्राउन करनी है, ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करनी है। अब इसमें हम हल्दी पाउडर डाल रहे हैं, 1.5 TSP इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे हम। 2 TBSP इसमें हम धनिया पाउडर ऐड कर रहे हैं, 1 TSP इसमें हम गरम मसाला पाउडर ऐड कर रहे हैं, 1 TSP इसमें हम लाल मिर्ची पाउडर ऐड करेंगे। तो ज़्यादा चाहिए तो थोड़ी ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। 4 TBSP इसमें हम सौंफ डालेंगे पिसी हुई, मिक्स करेंगे इसको। सौंफ से करेले में बहुत अच्छा स्वाद आता है। अब इसमें हम नमक ऐड करेंगे। यहाँ पर हमारा मसाला फ्राई हो रहा है अभी, इसको 1 से 2 मिनट के लिए हम भूनने देंगे। इधर हमने करेलों को अच्छे से पानी निकाल कर वॉश कर लिया है, 3-4 पानी से निकाल के। अब इसमें हम अपने करेले ऐड कर देंगे। अगर आप इस तकनीक से करेला बनाएंगे तो कड़वा नहीं बनेगा करेला, थोड़ा बहुत कड़वा तो रहता ही है करेला, लेकिन बहुत ज़्यादा कड़वा नहीं होगा इससे। और हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। हमने करेले को मसाले में अच्छे से मिक्स कर दिया है, हमें कोई इसमें पानी ऐड नहीं करना है, हम इसको ऐसे ही बनाएंगे। अब इसको हम ढक कर 10 मिनट के लिए पकड़ देंगे, उसके बाद चेक करेंगे। 10 मिनट हो गए हैं, अब हम करेले को चेक करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे आप। अभी करेला थोड़ा कच्चा है, इसको 10 मिनट के लिए हम अभी दोबारा से पकने देंगे। गैस की फ्लेम यहाँ पर हम लो ही रखेंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, हम करेले चेक करेंगे। यहाँ पर हमारे करेले में हल्की सी बाइट है, अभी बहुत हल्की है, ज़्यादा नहीं है, मतलब करेला काफ़ी हद तक भून चुका है हमारा। अब इसमें हम फंसा हुआ आम डाल देंगे, कच्चा आम, और उसको मिक्स करेंगे। यहाँ पर हमने आम को करेले में अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इसमें हम 1 TBSP करीब अमचूर पाउडर ऐड करेंगे और इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। यहाँ पर आप नमक और मिर्च इस समय एडजस्ट कर सकते हैं, अगर आपको कम लगे तो आप और डाल सकते हैं। करेले जब तक हमारा तेल नहीं छोड़ देता है तब तक हमें इसको और पकाना है। अब इसको हम ढककर 5 मिनट के लिए पकने देते हैं। 5 मिनट हो चुके हैं, अब हम करेले को देखेंगे। ये देखिए, साइड से करेले ने तेल छोड़ना शुरू कर दिया है, इसका मतलब हमारा करेला जो है वो बनकर तैयार है। गैस की फ्लेम हम ऑफ करेंगे और अब इसको हम सर्व करेंगे। यहाँ पर हमने एक सर्विंग डिश ली है, इसमें हम अपने करेले को सर्व करेंगे। मसाला करेला बनकर तैयार है हमारा। आप इसको पराठे के साथ, रोटी के साथ एंजॉय कर सकते हैं, और आप इसको जब बच जाए तो फ्रिज में रख सकते हैं। ये आराम से 7-8 दिन तक चलता है, ख़राब नहीं होगा जल्दी से। यहाँ पर हमने मसाला करेले को सर्व कर दिया है। देखने में जितना टेम्पटिंग है, खाने में उतना ही डिलीशियस लगेगा आपको। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने लोगों में मुझे कमेंट में शेयर करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए बनाते रहिए, खाते रहिए और खुश रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। हैप्पी कुकिंग।